हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज मेरे साथ है सचिन चौहान और आज हम करेंगे डिज्नी प्लस ट्रेलर का रिएक्शन शूट। क्यों रिएक्शन शूट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। डिज्नी प्लस जो सर्विस आने वाली है 12 नवंबर से, इंडिया में भी सेम डे रिलीज होने वाली है जिस तरह से सारे रूमर्स चल रहे हैं, तो वो भी डिटेल में इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो अब देखते हैं हम इसका ट्रेलर और उसके बाद देते हैं इसका रिएक्शन और थोड़ी बहुत डिटेल में जानकारी मैं यहाँ पे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे अभी बोला मैंने, तो चलिए अब देखते हैं ट्रेलर डिज्नी प्लस का। Okay, everybody, let's take it from the top. Something's happening. Something extraordinary. Something exciting. Something authentic and true. Everything changes now. And snap! What's next? The future. That's our specialty. Woohoo! Do you trust me? बहुत सही ये ट्रेलर है, आपको देखना चाहिए। ये ट्रेलर YouTube पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी मैं लगा दूंगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो पूरा का पूरा। उसके लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं, कि जाके आप देख लो। अभी डिज्नी प्लस की सर्विस रिलीज होने वाली है, यहाँ पे जैसे लिखा है 12 नवंबर को हमें ये सर्विस देखने मिलने वाली है। इंडिया में हॉटस्टार के साथ जुड़ के ये आएगी, शायद से ही हो सकता है कि डिज्नी प्लस आए या फिर हॉटस्टार में ही वो इंक्लूड करके दे दे, ऐसी सारी डिटेल्स निकल के आ रही है। जैसे ही और कोई अपडेट आता है हमारे इंडिया से रिलेटेड, डिज्नी प्लस इंडिया में कैसे दिखाई देगा, उस पर एक अलग वीडियो बना के मैं दे दूंगा। तो सचिन, आपको ट्रेलर कैसा लगा ये? ट्रेलर आई थिंक इट्स ऑसम। मतलब इसमें जो डिज्नी है, पूरा जर्नी हमको देखने को मिला है अभी तक। डिज्नी के जितने भी मूवीज हैं, जितने भी जो भी चीज़ें हैं, मतलब डिज्नी से जुड़ी हुई जितने भी, तो सारी चीज़ें हमने एक वन शॉट में जो लाइनअप देखा है, काफ़ी महीन एडिटिंग की है। बहुत बढ़िया, मतलब टाइमिंग है, कैसे कनेक्ट किया है एक मूवीज को दूसरी मूवी से, भले वो एनिमेटेड हो, 2D हो, 3D हो, बहुत अच्छी तरह से मतलब पूरी जर्नी दिखा दी है ना, और वो सब हमको एक प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। तो ये आई थिंक बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा ये। अभी तक आपने अगर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो आपको पता नहीं होगा, तो जाके फॉलो कर लीजिए। सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स वहाँ पे मैंने डाल दिए अभी भी, और जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे मैं एक एक करके अपलोड करते जा रहा हूँ वहाँ पे। तो उस चीज़ को आप फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पे भी ये मिलेंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर में सारी चीज़ें दिखा दी है, क्यों दिखाई है, क्या रीज़न है, कुछ तो रीज़न होगा। तो जितने भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्होंने ये सारी चीज़ें इंक्लूड की है, जैसे सिम्स है और ब्रेव है और बाकी सारी पिक्सार की मूवीज़ है, डिज्नी की मूवीज़ है, कोई क्लासिक एनिमेशन फिल्म है जैसे 2D एनिमेशन, जैसे डालमेशन हमने देखा, उस तरह से सारी चीज़ें इसमें है। और स्नो वाइट और बाकी सारी चीज़ें भी इस ट्रेलर में हमें नज़र आती है। तो नज़र इसलिए आती है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें डिज्नी प्लस सर्विस पे देखने मिलेगी। और ये जितने भी सीरीज इसमें हमें अभी दिखाया है, इसकी कुछ सीरीज आएगी, कुछ के मूवीज आएंगे, कुछ की सीरीज आएगी, कुछ की मूवीज आएगी। तो मूवीज आएगी तो ओवरऑल रिलीज होगी, और उसकी कुछ लिंक्डइन सीरीज रहेगी। और इसके साथ तो सभी को पता है कि कौन कौन जुड़ा है,
तो आपको पता भी रहेगा वहाँ पे तो कौन कौन जुड़ा है, आपको ध्यान में भी आ जाएगा जिस तरह से यहाँ पे दिखा भी रहा है कि देखो इसमें अभी हमें ये भी दिखता है जिसका नाम है विनी द पू करके, वो कैरेक्टर भी हमें दिखता है। तो ये सारी चीज़ है, लोग जुड़े हैं इसमें और बहुत अच्छी ये सीरीज है एक तरह से, मैजिक। ये देखो अभी लोगो आ रहे हैं सारे के सारे। बेस्ट पार्ट जो है वो मुझे लोगो का लगा कि सारे जो बड़े बड़े स्टूडियोज हैं कहो या बहुत बड़े बड़े कम्युनिटी हैं, कम्युनिटी कह सकते हैं क्योंकि काफी बड़ा है ये, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और सबको मिला के ये डिज्नी कोलैबोरेशन कर रहा है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा चीज होने वाला है, हमको सारी चीजें जो है वो एक जगह मिलना, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। डिज्नी, पिक्सार, मार्वल, स्टार वॉर्स और नेशनल जियोग्राफिक, ये सारी चीजें हमें पैक करके डिज्नी प्लस सर्विस पे मिलेगी। अब पता नहीं ब्लैकी प्लेटफॉर्म सर्विस का क्या होगा और जियो हमारे लिए जो चीजें लेके आ रहा है उस तरह से, तो मुझे यही लगता है कि भाई डिज्नी प्लेटफॉर्म हिट रहेगा इंडिया में, क्योंकि PG-13 वो लोग ज्यादा बनाते हैं और PG-13 यानी एक तरह से फैमिली एंटरटेनमेंट हो गया पूरा का पूरा। तो इसमें हमें स्टार वॉर्स की सीरीज देखने मिलेगी, इसमें हमें जिस तरह से अवतार की भी मूवी देखने को मिलेगी जो कि फर्स्ट अवतार हो चुका है, और सारी चीज़ें मिल रही है एक के बाद एक। द मंडोलियन करके एक मूवी भी आ रहा है, उनका सीरीज भी आ रही है, और मार्वल का तो आपको पता ही है वांडा विजन सीरीज है, लॉकी है, और भी बहुत सारी सीरीज आने वाली है धीरे धीरे करके, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें रिवील की गई है, जैसे D23 एक्सपो चल रहा है फिलहाल तो उसके ही रिलेटेड सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। डिज्नी का बोले तो D23 एक्सपो है तो डिज्नी प्लस सर्विस की ही बात चल रही है। पुराने जो क्लासिक एनिमेशन है उसकी मूवीज भी हमें देखने को मिलेगी इस पे, और कुछ इस पे सीरीज भी देखने को मिलेगी, जैसे डालमेंशन का एक पोस्टर भी रिलीज हुआ है एमा स्टोन के साथ जो कि लाइव एक्शन लग रहा है, वो तो कार्टून था 101 डालमेंशन करके, तो उसका भी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और एक डिटेल में और एक वीडियो मैं बनाऊंगा यहाँ पे कि जिसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में रिवील करूंगा कि आखिर में डिज्नी प्लस पे हमें 12 तारीख से यानी 12 नवंबर से देखने क्या मिलने वाला है, और अब तक D23 एक्सपो में क्या क्या रिजल्ट इसके निकल के आए हैं, वही सारी चीज़ें डिटेल में मैं उस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक ये ट्रेलर नहीं देखा है तो जाके देख लो यार, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक आ जाता है और ऐसे लगता है घुसबम्स आ जाते हैं बहुत सारे, अभी भी आ रहे हैं, तो म्यूज़िक के हिसाब से और बहुत सारी चीज़ें के हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से एडिट किया हुआ ये ट्रेलर है, और म्यूज़िक तो अच्छा रहता है ये डिज्नी का कोई बात ही नहीं है। और जिस तरह से हमें ब्रेव की वो जो कैरेक्टर है वो एरो छोड़ती है और उधर जाके हमारा कैप्टन अमेरिका हैमर पकड़ता है, तो वो भी काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। और इसका जो लुक है वो आप यहाँ पे देख लो, ये फोटो है, ऐसे ही दिखेगा हमारा डिज्नी प्लस सर्विस जो कि आने वाला है, नवंबर 12 को रिलीज़ है। बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली है, धीरे धीरे करके डिज्नी दिखाते जाएगा। और अब मैं ये बात बताना चाहूँगा जो कि डिज्नी बहुत ज़्यादा छुपा के रखता है, अभी तक वो छुपा के रखता था कि मैं क्या लाने वाला हूँ, क्या आने वाला है, तो अभी डिज्नी प्लस आने के कारण क्या होगा कि उसकी थोड़ी बहुत तो जानकारी हमें पहले से ही मिल जाएगी, जैसे डिज्नी प्लस पे आ क्या रहा है और मूवीज़ कौन से आ रही है, मार्वल की कौन सी सुपर हीरो मूवीज़ आ रही है, वो सारी चीज़ें हमें डिज्नी प्लस आने के कारण जल्दी जल्दी मिल जाएगी। और बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स आने वाली है, बहुत सारे चीज़ें आने वाली है, जैसे सोल का भी हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, कॉन्सेप्ट आर्ट देखा जो कि पिक्सार की मूवी है, बहुत ही सही है यार, और बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए एंटरटेनमेंट विकिपीडिया चैनल को, लाइक और शेयर करना ना भूले, गुपी वॉक्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए, तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए अलविदा।